हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन था उसका डेरिवेशन देखा था, जहां हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी, दैट इज़ दी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमने देखा था, जहाँ से हमने जो मास बैलेंस है एंड एनर्जी बैलेंस है उसे कंसेप्ट देखा था। मैंने आपको बताया था कि कब किसी फ्लो का हम स्टडी फ्लो बोल सकते हैं, कब किसी फ्लो का हम अनस्टडी फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमको लेकर के चलनी है, उसको कैरी करना है, उसकी केयर करनी है। कारण ये है कि गेट की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, खासकर जो हमारे सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये सब चीज़ें हमको डेरिवेशन तक पहुँचने में हेल्प करती है। ठीक है, ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, दैट इज़ दी मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, ठीक है, स्टडी अनस्टडी का जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो उस केस में आपको जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो बहुत आसान लगता है। ओके, तो आज हम देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन, उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो डिवाइसेस का हम लोग स्टडी करते हैं यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम नोजल एंड डिफ्यूजर। नोजल ऐसी डिवाइस को कहा जाता है जो किसी भी फ्लूड की या किसी भी सब्सटेंस की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। जब फ्लूड की वेलोसिटी या सब्सटेंस की वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा, उस समय हम लोग नोजल यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है प्रेशर को रिड्यूस करके। ठीक है, जो प्रेशर होती है, प्रेशर एनर्जी को हम उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी हम बहुत कुछ देखेंगे यहाँ पर नोजल के बारे में। देन डिफ्यूजर की बात करते हैं। डिफ्यूजर क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज कर देता है एंड वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ऐसी डिवाइस को बोलते हैं हम डिफ्यूजर। अब इनका शेप कैसा होगा, ठीक है, इसको समझने से पहले हम एक देखते हैं टर्म, दैट इज मैक नंबर। मैक नंबर, मैक नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, मैक नंबर होता है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड, ओके, अपॉन सोनिक वेलोसिटी। सोनिक वेलोसिटी यानी कि साउंड की वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी। ठीक है, सोनिक वेलोसिटी। ठीक, अब जनरली हम लोग यहां पर जब बात करते हैं, ठीक, सोनिक वेलोसिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस में, किसी भी आइडियल गैस में सोनिक वेलोसिटी यानी कि सी, सी रिप्रेजेंट सोनिक वेलोसिटी, निकालने का फॉर्मूला था रूट ओवर गामा आर टी। ओके, रूट ओवर गामा आर टी इज दी सोनिक वेलोसिटी। नाउ तो मैक नंबर में हम बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लूड और सोनिक वेलोसिटी को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूड सोनिक वेलोसिटी से ज्यादा होगा, इन दैट केस मैक नंबर विल बी ग्रेटर देन वन। इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड विल बी लेस देन सोनिक वेलोसिटी, इन दैट केस मैक नंबर विल बी लेस देन वन। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड विल बी इक्वल टू सोनिक वेलोसिटी, इन दैट केस मैक नंबर विल बी इक्वल टू वन। मैक नंबर वन जब ग्रेटर देन वन होता है किसी फ्लो में, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं सुपर सोनिक फ्लो, सुपर सोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर लेस देन वन होता है, तो उसको बोलते हैं सब सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो। अगर मैक नंबर इक्वल टू वन होता है, तो उसको बोलते हैं सोनिक फ्लो। ओके, नाउ अब नोजल और डिफ्यूजर को हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं किसी सब सोनिक फ्लो की बात करूं, सब सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो की बात करूं, यानी कि मैक नंबर जो होगा दैट इज लेस देन वन, यहां हमेशा याद रखना है मैक नंबर इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द सोनिक वेलोसिटी। ओके, सो सब सोनिक फ्लो के लिए नोजल का शेप इस तरह से होता है, यानी कि द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो नोजल उस केस में ऐसा होगा जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस हो रहा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो दिस इज द नोजल। ओके, एंड सिमिलरली फॉर सबसोनिक फ्लो दिस विल बी डिफ्यूजर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इंक्रीज हो रहा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉर अ डिफ्यूजर। ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ flow. So this is a diffuser. ठीक है, इसके अपोजिट अगर आपका फ्लो सुपरसोनिक फ्लो हो जाए, अगर ये सुपरसोनिक फ्लो हो जाए, सुपरसोनिक फ्लो, सो सुपरसोनिक फ्लो फ्लो यानी कि m इज ग्रेटर देन वन, m इज ग्रेटर देन वन के लिए ये जो शेप होगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन के अलोंग, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग जो क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ये जो शेप होगा, ये शेप रिप्रेजेंट करेगा एक एक नोजल। ठीक है, सो दिस इज अ नोजल, दिस इज नोजल। ठीक है, एंड इसके अपोजिट
ये वाला शेप दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस विल रिप्रेजेंट अ डिफ्यूजर. ठीक है, दिस विल बी डिफ्यूजर. ये चीजें और क्लियर होगी जब आप कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे. कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो फिलहाल हमारे मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट यहां पर आपको मैं बेसिक्स एक यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, जब फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी भी सब्सटेंस की जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उस केस में डेफिनेटली वो कंप्रेसिबल हो जाता है, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है. ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी केयर करनी पड़ती है. ठीक है, और जब कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होता है उस केस में ये जो मैक नंबर है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये हमको याद रखना है. ठीक, फिर हमको याद रखना है कि अगर मैक नंबर लेस देन वन है तो ये शेप होगा आपका नोजल का और ये वाला शेप होगा डिफ्यूजर का. सिमिलरली अगर सुपरसोनिक फ्लो है तो जो ये शेप है आपका दैट इज एरिया इंक्रीजिंग वाला वो हो जाएगा नोजल का, एंड जो एरिया डिक्रीजिंग वाला है वो हो जाएगा डिफ्यूजर का. ठीक है, अब यहां पर जब मैं इस किसी भी नोजल के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना चाहूंगा तो चाहे ये केस हो दैट इज एम इज लेस देन वन, चाहे ये केस हो एम इज ग्रेटर देन वन, दोनों के लिए मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकता हूं. कारण ये है कि मैंने बताया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज दी कंप्रेसिबल फ्लूड्स. ओके, सो किसी भी फ्लूड फ्लो प्रॉब्लम के लिए ये जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो वैलिड होगा. तो हम मैक नंबर लेस देन वन यानी कि सबसोनिक फ्लो के लिए भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड सुपरसोनिक फ्लो के लिए भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग उसको सोनिक फ्लो के लिए भी कर सकते हैं. लेकिन सोनिक फ्लो जो होता है, अब यहाँ पर बात आएगी, एक डाउट हो सकता है आपको है कि सर सुपरसोनिक सबसोनिक के लिए ये है, सुपरसोनिक के लिए ये डिजाइन है, तो सोनिक के लिए क्या होगा? सोनिक की जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं होती. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगी, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएशन होगा. तो वो जो आपका फ्लूड, अगर आप बोलोगे कि मुझे एग्जैक्टली एम इक्वल टू वन मिलता रहे, दैट इज नॉट फिजिबल. एक्चुअली इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे बने रहना इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई हम लोग या तो सुपरसोनिक फ्लो के लिए डिस्कस करते हैं या तो सबसोनिक फ्लो के लिए डिस्कस करते हैं. तो चलिए अब लगाते हैं इस पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड देखते हैं हमको किस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स को डील करना है. सो सबसे पहले मैं एक नोजल कंसिडर करता हूँ. ठीक है, ये नोजल जो है दैट इज वेल इंसुलेटेड. तो जब भी हम लोग नोजल की स्टडी करेंगे तो मेजर प्रॉब्लम ये रहेगा जिस प्रॉब्लम में हम लोग इसको वेल इंसुलेटेड लेंगे, यानी कि परफेक्ट इंसुलेशन है. परफेक्ट इंसुलेशन लगा देते हैं जब हम, तो उस केस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा जीरो, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कोई हीट ट्रांसफर होगा. ठीक है, सो दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, लेट अस टेक द नोजल एज अवर कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, एंड हियर इज द परफेक्ट इंसुलेशन. सो हीट ट्रांसफर क्यू डॉट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज डी क्यू बाई डी एम इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट जीरो है यहां से, या फिर अगर मैं हीट ट्रांसफर पर रेट मास बोलूं वो भी जीरो है. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि नोजल में आप देखते हैं अगर कोई एम क्वांटिटी डीएम क्वांटिटी आप एक एलिमेंट ले लो, अगर डीएम क्वांटिटी को मैं फोकस कर रहा हूं, यानी कि यहां पर मैं आप लगा दूं कंट्रोल मास अप्रोच, इन दैट केस ये जो मास है यानी कि ये जो एलिमेंटल मास है इसको अगर मैं अपना सिस्टम ले लूं तो ये देख रहा हूं मैं सिस्टम की बाउंड्री जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. बट द प्रॉब्लम इज इस सिस्टम बाउंड्री को कोई वर्क क्रॉस नहीं करता है, यानी कि यहां पर जो एक्सपांशन या कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है बाउंड्री में उसके कारण कोई भी वर्क ट्रांसफर हमको देखने को नहीं मिलेगा अक्रॉस दी बाउंड्री. ओके, तो यस इस पर्टिकुलर केस में जो आपका नोजल का केस होता है उसमें कभी भी कोई वर्क हमको नहीं मिलता है. ओके, सो वर्क ट्रांसफर इज ऑल्सो जीरो. सो वर्क ट्रांसफर इज जीरो. सो देर इज नो हीट ट्रांसफर, देर इज नो वर्क ट्रांसफर, ना हीट ट्रांसफर हो रहा है ना वर्क ट्रांसफर हो रहा है. अब मैं यहां पर ले लेता हूं एक डेटम. ठीक है, एक डाटा मैं लेता हूं. अब इसके जो दोनों एंड्स है दैट इज इनलेट एंड आउटलेट. ओके, इनका जो एल्टीट्यूड है वो देख सकता हूं मैं सेम है. ठीक है, इनका जो एल्टीट्यूड है वो सेम है. तो क्या हो रहा है, तो क्योंकि एल्टीट्यूड सेम है सो देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. सो तीन पॉइंट जो अभी तक मुझे मिले उनको नोट करता हूं, दैट इज हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो और हीट ट्रांसफर इक्वल टू जीरो. ठीक है, सेकंड मिला मुझे वर्क ट्रांसफर इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू टी मीन्स वर्क ट्रांसफर. ठीक है, थर्ड मुझे मिल रहा है
क्योंकि जेड वन इक्वल टू जेड टू है, दैट्स वाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन अब क्या बचा, अब देखते हैं अगर यहां पर प्रेशर पी वन है, इस इनलेट पे पी वन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वी वन है, इंटरनल एनर्जी यू वन है, ठीक है। सिमिलरली यहां लिख सकता हूं प्रेशर पी टू है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वी टू है एंड स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यू टू है, ठीक है। देन यहां पर मैं लिख सकता हूं इनलेट पे, फॉर इनलेट जो एंथैल्पी है, या बोलूं स्पेसिफिक एंथैल्पी एच वन विल बी इक्वल टू यू वन प्लस पी वन वी वन। सिमिलरली आउटलेट पे जो स्पेसिफिक एंथैल्पी दैट इज एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस पी टू वी टू, ओके। सो यहां पर हमको एंथैल्पीज भी मिल गई। अब मैं लगाता हूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एस एफ ई मैं अप्लाई करता हूं, तो मैं एस एफ ई पहले लिखता हूं, ये जाएगा एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस डी क्यू बाई डी एम इज इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एम, ओके। नाउ यहां पर वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर जीरो है, यानी कि ये हो गया टर्म जीरो, ये वाला टर्म भी हो गया जीरो, Z1 इक्वल टू Z2 है तो ये दोनों हो गया कैंसल, ठीक है। देन H1 की वैल्यू है हमारे पास, H2 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू होगी, V2 की वैल्यू होगी, तो यहां से इक्वेशन रिड्यूस हो रहा है H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच टू प्लस V2 स्क्वायर बाई टू, ठीक है। सो यहां से जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 square by 2 minus V1 square by 2, ये हमारे पास आ रहा है। अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो भी अननोन है, चाहे हमको इनलेट पे या आउटलेट पे एंथैल्पी चाहिए या फिर हमको इनलेट पे या आउटलेट पे वेलोसिटी चाहिए, वो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है कि इफ जो इनलेट वेलोसिटी है V1 वो बहुत कम हो एज कंपेयर टू द एग्जिट वेलोसिटी, यानी कि V2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V1, तो हम उस केस में V1 स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू H1 माइनस H2, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन, और लिख सकता हूँ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू टू H1 माइनस H2, और V2 विल बी रूट ओवर 2 इंटू H1 माइनस H2। अब इस इक्वेशन से आने वाले आंसर्स के बारे में समझिए, ठीक है। यहां पर जो मैंने इक्वेशन लिखा है दैट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये सारा का सारा जो है ये है जूल्स में, ये सारा का सारा जूल्स में है, जूल्स पर केजी में है, ओके, ठीक। मैं लिखू काइनेटिक एनर्जी के, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं से जो यूनिट मुझे मिलता है डेट इज न्यूटन मीटर, और आई कैन राइट जूल्स, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी, उसका यूनिट होता है आपका जूल्स में, ओके। फिर मैंने देखा था आपको जब मैं तीन टाइप की एनर्जी दैट इज इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E, that was written as capital U, that is the internal energy, then kinetic energy and potential energy. This gives me the total energy of the system. Now, जब मैं इसको mass से divide कर देता हूँ substance के, तो मुझे मिल जाती है specific total energy, that is small equal to होता है small U plus V square by 2 plus जी जेड, ओके, क्योंकि के ही होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, इसको एम से डिवाइड कर दोगे तो मिलेगा वी स्क्वायर बाई टू, एंड पी होता है आपका एम जी जेड, इसको एम से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा जी जेड। तो ये मुझे मिला था टोटल स्पेसिफिक एनर्जी, अभी स्पेसिफिक टोटल एनर्जी ये मुझे मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो वी का डायमेंशन है इस इक्वेशन में, ठीक है, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर जो डायमेंशन मुझे मिल रहा है स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी का दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर
kg, ओके okay? ये मुझे नहीं भूलना है। यहाँ पर जो डायमेंशन मुझे दिख रहा है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल एन टू जूल्स पर kg, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन का यूज करना है और सही आंसर लाना है, तो मुझे ये याद रखना है कि जो H1 या H2 बोलूँ यानी कि एंथैल्पी की जो यूनिट्स हैं वो है आपकी जूल पर kg में। इवन इसके अलावा अगर इस इक्वेशन में मुझे वर्क ट्रांसफर पता होता या फिर हीट ट्रांसफर पता होता तो उसकी भी यूनिट होती जूल पर kg में, ठीक है। तो यहाँ डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब मैं अगर आपको लिखूँ SFE आपके लिए मैं लिखना चाहूँ, जहाँ मैं एनर्जीज को किलो जूल में लिखूँ, तो उस केस में SFE हो जाएगा, SFE को अगर मैं लिखूँ किलो जूल पर kg में, तो हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस DQ बाई DM इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस DW बाई DM, ओके। सो यहाँ पर जो एंथैल्पी है ये है आपकी किलो जूल पर kg में, ठीक है। ये भी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आल्सो इन किलो जूल पर kg, इसका इक्विवेलेंट मैं बताऊंगा आपको, इसका इक्विवेलेंट होगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन सिमिलरली ये सारे जो टर्म्स हैं, जितनी भी एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स हैं, हीट ट्रांसफर का जो टर्म है, जो वर्क ट्रांसफर का टर्म है, सभी की यूनिट्स यहाँ पर आपकी किलो जूल पर kg में है, ठीक है। तो जब आप ये यूज करते हैं दैट इज V2 बाई 2000 एंड GZ1 डिवाइड बाई 1000, ये जब टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसमें जो डायमेंशन है दे आर इन किलो जूल, यानी कि एनर्जी की यूनिट आप लोग किलो जूल रख ले हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। सो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर है दैट इज ऑल्सो इन किलो जूल पर kg एंड जो वर्क ट्रांसफर है दैट इज ऑल्सो इन किलो जूल पर kg, तो ये डिफरेंस है। सो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन से यानी कि किलो जूल वाले फॉर्म से अगर मैं V2 वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगी V2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2000 H1 माइनस H2, ओके। सो यहाँ से V2 की वैल्यू आ रही है 44.72 रूट ओवर डेल एच, ओके। यहाँ पर हमको याद रखना है, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो एंथैल्पी है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में उसकी यूनिट है किलो जूल्स पर kg, ओके। तो हमने नोजल के बारे में देखा कि तीन पॉइंट्स थे अभी तक के, क्या क्या, दैट इज हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, Z1 इक्वल टू Z2 है, दैट्स है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट यहाँ पर V1 V2 जीरो नहीं है, दैट्स वाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल केसेस का ख्याल रखना है, जैसे कि इतना तो हम बोल सकते हैं कि कुछ भी हो जाए इन एनी सर्कमस्टेंसेस नोजल या डिफ्यूजर कभी भी कोई वर्क ट्रांसफर नहीं देता है, ठीक है, कभी भी कोई वर्क ट्रांसफर नहीं देता है। हाँ, एक स्पेशल केस ये हो सकता है कि उसको हम लोग जो वर्क है कोई इलेक्ट्रिकल वर्क हम उसको दे रहे हो, लेकिन दैट विल बी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, ओके। हम उसको पावर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इलेक्ट्रिक वर्क है, और जो इलेक्ट्रिक वर्क है दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू हीट। जैसे कि मैं अगर एक नोजल ले लूँ, ठीक है, एक नोजल ले लूँ, इस नोजल में मैं बीच में कहीं पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कोई हीटिंग कॉइल लगा दूँ, इसमें मैं इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूँ, सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली क्या सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। बट ये जो वर्क है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क DW बाई DT, दैट इज नोन एज पावर, पावर सप्लाई जिसको की जा रही है, यानी कि वॉट की बात कर रहा हूँ मैं, जितना वॉटेज हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू V×I, ओके, और I²RT, आई कैन राइट I²RT, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू हीट। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल कॉयल है इसमें जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल वर्क था वो हीट के फॉर्म में सिस्टम में जाएगा, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, तो कभी भी हो, कुछ भी हो जाए, वर्क ट्रांसफर जो है नोजल के केस में या डिफ्यूजर के केस में हमेशा जीरो होता है, लेकिन हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा हो, जिसके दो केसेस मैंने बताए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया केस आपको कि नोजल को मैं एक्सटर्नली करंट सप्लाई कर रहा हूँ, एक वहाँ पर हीटिंग कॉइल लगा दी मैंने, तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये हीट जा रही है इस सब्सटेंस में, ठीक है। दूसरा,
यहाँ पर मैंने जब बताया आपको इंसुलेशन की बात करी, तो मैंने फिलहाल एज्यूम किया था कि जो इंसुलेशन है दैट इज़ अ परफेक्ट इंसुलेशन, यानी कि हीट लॉस नहीं होगा। बट हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो सकता है आपको परफेक्ट इंसुलेशन ना दिया हो और बताया हो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम दैट इज योर नोजल एंड योर एटमोसफियर, उसके बीच में कुछ हीट इंट्रैक्शन है और उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आपको गिवन हो या तो आपको फाइंड आउट करने बोली हो। किसी भी केसेस में कोई भी वरी नहीं करना है हमको, उस केस में करना ये है कि सिंपल हमको स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन लगाना है। अगर आपको आंसर जूल्स में चाहिए तो आप इस तरीके से लिखिए, अगर आपको किलो जूल्स में या किलो जूल पर केजी में चाहिए तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट नोजल एंड डिफ्यूजर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डिफ्यूजर के केस में क्या होगा, डिफ्यूजर के केस में भी सेम अप्रोच होगा हमारा, ठीक है। वहाँ पर हो सकता है कि एंथैल्पी H1 H2 की वैल्यू कुछ अलग आए, ठीक है। बाकी जो अप्रोच होगा हमारा डिफ्यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मेथड से हम लोग उसके लिए भी आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टर्बाइन एंड कंप्रेसर, ठीक है। अब यहाँ पर टर्बाइन एंड कंप्रेसर को बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहता हूँ, जैसे कि स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन की जब मैं बात करता हूँ, V²2+GZ1+DQ/dm=H2+V²2+GZ2+dW/dm, ओके। मैंने इसके बारे में बताया था आपको, दिस इज स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन फॉर मास बेसिस, ओके। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर है एंड जो वर्क ट्रांसफर है, डेरिवेशन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिए, आप डेरिवेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ जो ये टर्म आ रहा है dW, दिस इज एक्सटर्नल वर्क, है ना। डेरिवेशन आप देखेंगे तो आप समझ आएगा कि जब हमने वर्क निकाला था वहां पर, टोटल वर्क निकाला था, तो उसमें हमको मिला था टोटल वर्क विल बी इक्वल टू दी एक्सटर्नल वर्क प्लस दी फ्लो वर्क, ठीक है। देन हमने फ्लो वर्क कैलकुलेट किया था, देन उसके बाद हमने वहां पर सिंपल एनर्जी बैलेंस लगाया था, और एनर्जी बैलेंस लगाने के बाद हमने देखा था कि हमको हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मिला था, ठीक है। और उसमें जो ये dW/dm का टर्म है, दैट इज नथिंग बट दी एक्सटर्नल वर्क। और मैंने आपको बताया है उस वीडियो में कि एक्सटर्नल वर्क दो तरीके का होता है, दैट इज शाफ्ट वर्क एंड सेकेंड होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। दो ही तरीके से आपको वर्क वहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जब टर्बाइन की बात करता हूँ और कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होते हैं देखते हैं। तो टर्बाइन एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है। टर्बाइन इज अ काइंड ऑफ रोटो डायनामिक मशीन, ठीक है, जो कि रोटेट होती है एंड हमको शाफ्ट वर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत आसान होता है टर्बाइन का वर्किंग, ठीक। हम क्या करते हैं, हम हाई स्पीड से जो स्टीम है या कोई भी वेपर जो है उसको सप्लाई करते हैं किसी ब्लेड पर, ठीक है। ब्लेड जो है वो रोटर पे माउंटेड होती है, रोटर पे उसको फिक्स किया गया होता है, ठीक है। अब इस ब्लेड पर जब हमारा स्टीम या कोई भी वेपर उस पर इम्पिंज होता है, उस पर जब इम्पैक्ट करता है, तो उस केस में जो स्टीम है उसका मोमेंटम चेंज होता है, और इस मोमेंटम में आने वाले चेंज के कारण उस ब्लेड पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, ठीक है। और उस फोर्स के एग्जर्ट होने के कारण जो रोटर है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, और उस एक्सिस पे हम एक शाफ्ट फिट कर देते हैं, वो शाफ्ट रोटेट होती है, एंड देन वो जो शाफ्ट है वो एक जनरेटर को ऑपरेट करती है जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो बेसिकली अ टर्बाइन इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क, जो वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी जो है, जो एंथैल्पी है, उसको कंज्यूम करता है, एंड उसके बाद हमको क्या कर देता है, एक वर्क देता है, दैट इज शाफ्ट वर्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमको जो भी सिस्टम है, इफ आई टेक टर्बाइन एज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, देन आई एम गेटिंग अ वर्क फ्रॉम द सिस्टम, मुझे सिस्टम से वर्क मिल रहा है, दैट्स व्हाई वो जो वर्क होगा टर्बाइन का वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर क्या करता है, हम लोग देखते हैं जो हम लोग हमारी गाड़ियों में, जो टायर्स में हम लोग हवा भरवाते हैं, तो उस पर क्या रहता है, एयर का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, आप वहाँ पर उसको किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कंप्रेस कर सकते हो, आप उसको किसी रोटोडायनेमिक कंप्रेसर में भी उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर में भी उसको कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, ठीक है। देन आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर हमारे पास अवेलेबल है। बट कुछ भी हो, कंप्रेसर क्या में हमको क्या करना है, किसी भी सिस्टम की बाउंड्री को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा सिस्टम है उस पे वर्क करना पड़ता है, ठीक है। कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो कि
उससे उस कंप्रेसर में एक मोटर होता है, वो मोटर रोटेट होता है, देन मोटर क्या प्रोवाइड करता है, कंप्रेसर को शाफ्ट वर्क प्रोवाइड करता है, ये शाफ्ट वर्क से ही ये कंप्रेसर जो है वो चलता है। यानी कि बेसिकली हम कंप्रेसर की बात करें अगर, तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको प्रोवाइड करते हैं, ये किसको करते हैं हम, ये करते हैं मोटर को, यानी कि कंप्रेसर में जो मोटर होता है, तो कंप्रेसर मोटर को हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। देन कंप्रेसर मोटर क्या होता है, ये रोटेट होता है, ठीक है। अब ये रोटेट होता है तो हमको क्या मिलता है, शाफ्ट वर्क मिलता है, ठीक है, शाफ्ट वर्क मिला। अब ये जो शाफ्ट वर्क है ये किसको फाइनली ऑपरेट करता है, कंप्रेसर को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि कंप्रेसर के लिए जो वर्क होता है वो निगेटिव होता है, ये हमको याद रखना है। सो टर्बाइन से जो वर्क मिलता है दैट इज पॉजिटिव, और क्योंकि कंप्रेसर पे वर्क करना पड़ता है दैट्स वाई वहां जो वर्क ट्रांसफर होगा दैट विल बी निगेटिव। तो यहां मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिए, ठीक है। अब सबसे पहले लगाते हैं हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो मैंने लिखा है उसको अप्लाई करते हैं फॉर टर्बाइन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टर्बाइन के बारे में। तो टर्बाइन में जनरली क्या हो रहा है, वर्क मिल रहा है, ठीक। तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक। इधर से इनफ्लो, यहाँ से आउटफ्लो, यानी कि इनलेट एंड आउटलेट ऐसे बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मास फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि स्टडी फ्लो है, यानी कि एम वन विल बी इक्वल टू एम टू विल बी इक्वल टू एम, दैट इज डी एम बाई डी टाउ, ओके। ये हम देख चुके हैं स्टडी फ्लो के लिए। अब यहाँ पर टर्बाइन में मैंने ये मान लिया कि टर्बाइन में कोई भी फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, किसी भी तरीके का लॉस नहीं है, ठीक है, ये मान के चला हूँ, ठीक। टर्बाइन में जो भी एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ हीट और एंथैल्पी, जो भी आ रही है आपकी, ठीक है, वो किसी भी तरह से सिस्टम से सराउंडिंग में इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस नहीं हो रही है, यानी कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका प्राइमरी लेवल पे इसका एक बेसिक एजम्पशन है। हो सकता है जिसकी नोजल में मैंने आपको बताया कि जो आपको पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिया है उसमें हो सकता है आपको हीट ट्रांसफर दिया हो या तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हो, लेकिन इनिशियली हम ये मान के चलेंगे कि हीट लॉस जीरो है, ठीक है। तो ऐसे केस में हीट लॉस जीरो में मान लिया, प्लस मैंने बोल लिया कि जो टर्बाइन है वो फ्रिक्शन लेस है, उसमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शनल लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि मैंने इसको मान लिया आइसेंट्रोपिक टर्बाइन, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब लोग एंट्रोपी के बारे में जाएंगे, यानी कि सिंपल अगर भाषा में बोलूं तो यहाँ कोई भी सिस्टम में डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई डिसऑर्डर, क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मैंने मान लिया, यानी कि हीट ट्रांसफर जो है दैट इज जीरो, ओके। यहाँ पर मुझे शाफ्ट के थ्रू वर्क मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क, सो देयर इज अ वर्क ट्रांसफर, दैट इज देयर इज अ वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वर्क मुझे मिल रहा है, ये मैं मान करके चलूंगा सिंपल, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पर ये माना जाता है कुछ कुछ बेसिक एजम्पशंस के, जितनी वेलोसिटी से यहाँ पर जो भी वेपर था, जो भी सब्सटेंस था वो इंटर किया, उतनी ही वेलोसिटी से वो बाहर गया, यानी कि V1 वेलोसिटी, यहाँ पे V का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू V2, दैट इज वेलोसिटी एट आउटलेट, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V2, ओके। दैट्स वाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकेंड यहाँ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ये आएंगे कि जो इनलेट और आउटलेट के बीच जो एल्टीट्यूड का डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि किसी डेटम लेवल से इनलेट का जो एल्टीट्यूड है डैट इज Z1 एंड आउटलेट का एल्टीट्यूड जो है वो Z2 है, तो Z2 एंड Z1 आर ऑलमोस्ट इक्वल, सो Z1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Z2, दैट्स वाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो टेकन एज जीरो। यहाँ पर नेग्लिजिबल वैल्यूज आती है, दैट्स वाई हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड जो SFE में डेल पी एंड डेल के ई की वैल्यू है उसको हम जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, हीट ट्रांसफर जीरो हो ले लिया है मैंने, क्योंकि मैंने उसको आइसेंट्रोपिक ले लिया, परफेक्टली इंसुलेटेड है, ठीक है, परफेक्टली इंसुलेटेड है, देयर इज नो हीट लॉस, और क्योंकि
इसमें कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, दैट्स वाई ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है. एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस. ये सभी चीज़ें जब हम लोग एंट्रॉपी पढ़ेंगे तो और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस. अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जब एंट्रॉपी चेंज नहीं होती है, सच अ प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस. एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस. ये दो पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये आपको नोट डाउन करके रखने हैं, ठीक है. सो यहाँ से मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से लिख सकता हूँ, क्योंकि के डेल की एंड डेल पे ही मैंने जीरो ले लिया है. सो बचेगा सिर्फ एंथैल्पी का टर्म एच वन प्लस हीट ट्रांसफर मैंने यहाँ पर ले लिया है जीरो, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू एच टू, ये वाला टर्म मैंने ले लिया, ये माइनस ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो ले लिया, तो ये टर्म्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे. सो बचेगा डी डब्ल्यू बाई डी एम, ठीक है. अब देखिए, हम लोग जो बार बार डी क्यू बाई डी एम और जो डी डब्ल्यू बाई डी एम लिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास एंड हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास. तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन में अपने कन्वीनियंस के लिए क्यू एंड डब्ल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. क्यू आपका हो जाएगा हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, दैट इज किलो जूल पर के जी और जूल पर के जी, जो भी आप इक्वेशन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डायमेंशनल होमोजेनिटी मेंटेन करनी है, ठीक है. सेम वर्क डब्ल्यू जो है दैट इज नथिंग बट वर्क ट्रांसफर इन किलो जूल पर के जी और जूल पर के जी. यहाँ पर भी आपको जो मैंने दो तरीके से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बताए हैं, जिसमें एक में 1000 के वाले टर्म रहते हैं, लाइक 2000 एंड 1000 रहता है, और एक में 2 रहता है 1 रहता है, तो वो आपको याद रखना है, वहाँ पर उसको केयर करना है, ठीक है. जहाँ पर मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ W, ठीक. सो हो जाएगा H1 इक्वल टू H2 प्लस W. सो वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द टर्बाइन विल बी H1 माइनस H2, ठीक है. अब जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, तो डेफिनेटली H1 जो होगा वो बड़ा होगा H2 से, ठीक है. सो दिस इज द वर्क ट्रांसफर बाई टर्बाइन, ओके. वर्क ट्रांसफर बाई टर्बाइन, दिस इज फॉर टर्बाइन. अब अगर एच आपने किलो जूल पर केजी में लिया है, तो वर्क भी किलो जूल पर केजी में आएगा, और अगर आपने एच को जूल पर केजी में लिया है, तो वर्क भी जूल पर केजी में आएगा, ठीक है. नाउ देखते हैं हम कंप्रेसर के लिए देखते हैं. तो कंप्रेसर में सारे एजम्पशंस जो हमने फॉलो किए हैं, इसमें वही एजम्पशंस रहेंगे, यानी कि जब मैं कंप्रेसर की बात करूंगा तो उस केस में भी हीट लॉस जीरो लूंगा, डिवाइस को फ्रिक्शन लेस लूंगा, यानी कि डिवाइस जो है हमारी कंप्रेसर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी. अब यहां पर जो कंप्रेसर का सिंबल है वो कुछ इस तरह से रहता है, ये इसका इनलेट, ये इसका आउटलेट, ओके. सो यहां पर भी जो हीट लॉस है क्यू, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है. और इसको चलाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये वाला आपको सीक्वेंस याद होगा, ठीक है. तो वर्क मुझे करना पड़ता है, दैट्स व्हाई जो वर्क होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि मैं वर्क सिस्टम पे अप कर रहा हूँ, ठीक. सिमिलरली यहाँ पर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी टेकन एज जीरो, क्योंकि नेग्लेजिबल है, दैट्स व्हाई मैं उसको जीरो ले रहा हूँ. सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेजिबल, दैट्स व्हाई मैं उसको भी जीरो ले रहा हूँ, और यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा मैं उसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से, ठीक है. तो यहां पर से हो जाएगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W, ये होता है. अब W क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा H1 इक्वल टू H2 माइनस W. सो W विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1. सो दिस इज द वर्क ट्रांसफर फॉर कंप्रेसर. अब जो इसकी यूनिट आएगी वो सेम, अगर आपने एंथैल्पी को किलो जूल पर केजी में पुट किया है तो फिर से ये वर्क आपका किलो जूल पर केजी में आएगा. अगर आपने इसको जूल पर केजी में लिया हुआ है तो उस केस में वर्क जूल पर केजी में आएगा. और फिर से मैं रिपीट करूंगा, अगर आप जूल पर केजी में लिखना चाह रहे हो अपने जो भी टर्म्स हैं एच, ठीक है, वी, क्यू एंड डब्ल्यू, तो उस हिसाब से आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन चूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया. अगर आप जूल में रखते हो तो आपको कौन सा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखना है, एंड अगर आप किलो जूल में लिखते हो तो आपको कौन सा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया है. सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस वॉज द टर्बाइन एंड कंप्रेसर. सो देखते हैं अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस.
थ्रॉटलिंग प्रोसेस एस, एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो प्रोसेस होती है रिवर्स इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब कैसे प्रोसेस को थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं जो कि ड्रास्टिक रिडक्शन करते हैं इन प्रेशर, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में प्रेशर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इन विच सडन और वी कैन से लार्ज रिडक्शन इन प्रेशर में ऑप्टेन्ड, ठीक है, जिसमें लार्ज रिडक्शन इन प्रेशर हमको ऑप्टेन होता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस होता है जनरली हमको वॉल्स में या पतली ट्यूब्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉल्स की। जैसे हम लोग कोई टैप है, हमारा नल है, नल के टैप को, उसके वॉल को हम अगर पार्शली ओपन छोड़ें, थोड़ा सा उसको खुला छोड़ दें, तो उस केस में जो फ्लो हमको मिलेगा दैट इज थ्रॉटल, वहाँ पर जो प्रेशर आएगा फ्लूड का वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो प्रेशर वहाँ पर सडन ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकता हूँ मैं वॉल्व्स में, ठीक है, एडजस्टेबल वॉल्व्स की बात करता हूँ मैं। एडजस्टेबल वॉल्व्स में मुझे मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। सेकंड कैपिलरी ट्यूब की बात करता हूँ, कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली ट्यूब होती है, ठीक है, एंड इसमें बाय वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शन जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो इफ आई टेक टू सेक्शंस, सेक्शन नंबर 1 and 2, सो P1 विल बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, सो कैपिलरी ट्यूब इज एग्जाम्पल ऑफ थ्रॉटल्ड फ्लो और वी कैन से थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ओके। देन पोरस प्लग्स, यहां पर अगर मैं कोई पोरस प्लग ले जाने की जिसमें छोटे छोटे वॉइड्स है जिससे होकर के जो फ्लूड है वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रैवल कर सकता है, सो ऐसे किसी भी ब्लॉक को मैं बोलता हूँ पोरस प्लग, ठीक है, पोरस प्लग, ठीक। तो इस केस में मैं देखूंगा कि प्रेशर में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है सर, मुझे सडन प्रेशर ड्रॉप मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद देखूंगा जो प्रेशर है उसमें ड्रास्टिक चेंज होगा, दैट इज P1 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन P2 और वी कैन से P2 विल बी वेरी वेरी लेस देन P1। सो सच अ प्रोसेसेस आर नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस की जब बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो एंथैल्पी है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, एंथैल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, H1 विल बी इक्वल टू H2। सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है। सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा स्टेटमेंट, यानी कि ऑल आइसेंथैल्पिक प्रोसेसेस आर थ्रॉटलिंग प्रोसेसेस, ऐसा नहीं होता। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अलावा भी कई प्रोसेसेस हैं जो कि आइसेंथैल्पिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब मैं किसी रियल गैस की अगर मैं बात करता हूँ तो थ्रॉटलिंग अगर होगी तो उस केस में देखिए H1 एंड H2 आर दी एंथैल्पीज एट डिफरेंट सेक्शन। लेट अस टेक अ सेक्शन, देयर इज अ वॉल्व व्हिच इज पार्शियली ओपन, सो देयर इज अ थ्रॉटलिंग फ्लो, ठीक। सो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। सो सेक्शन नंबर 1 पे जो एंथैल्पी है दैट विल बी U1 प्लस P1V1, दैट विल बी इक्वल टू U2 प्लस P2V2, ओके। नाउ यहां पर मैं जानता हूं प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट P1V1 इज ग्रेटर देन P2V2, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो यहां से देखिए, यहां से हो गया U1
माइनस यू टू इक्वल टू पी टू वी टू माइनस होता है पी वन वी वन, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा है पी वन वी वन इज ग्रेटर देन पी टू वी टू, तो ये टर्म बड़ा है इस टर्म से, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। सो यू वन माइनस यू टू इक्वल टू जो भी आ रहा है निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है दैट यू टू विल बी ग्रेटर देन यू वन, ठीक है, यू टू विल बी ग्रेटर देन यू वन। यानी कि अगर मैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में बात करूं पी वन वन, यानी कि फ्लो वर्क एट सेक्शन नंबर वन इज ग्रेटर देन फ्लो वर्क एट सेक्शन नंबर टू, इन दैट केस जो इंटरनल एनर्जी है एट सेक्शन नंबर टू विल बी ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी एट सेक्शन नंबर वन। और हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो अंडर सच केस टेम्परेचर एट सेक्शन नंबर टू विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर एट सेक्शन नंबर वन। इसके अपोजिट अगर मैं लिखूं पी टू वी टू इज ग्रेटर देन पी वन वी वन, इन दैट केस मुझे अपोजिट रिजल्ट मिलेगा, दैट इज टी वन विल बी ग्रेटर देन टी टू, ठीक है। सो इस केस में इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज पी वन वी वन इज ग्रेटर देन पी टू वी टू, टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहां पर देख सकते हैं सेकंड सेक्शन पे टेम्परेचर ज्यादा मिला फर्स्ट सेक्शन के कंपेयर में, दैट्स वाई इन दिस केस फॉर दिस केस आई कैन राइट टेम्परेचर विल इंक्रीज अलॉन्ग फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में फ्लो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसका उल्टा जब मैं लिखता हूं पी टू वी टू ग्रेटर देन पी वन वी वन, तो मुझे मिलता है यहां पर टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है रिड्यूस होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस अलॉन्ग फ्लो, ठीक है। तो यहां पर ये हमको याद रखना है जब मैं किसी रियल गैस की बात करता हूं, ठीक है, तो उस केस में प्रेशर तो रिड्यूस होता है, ठीक है, प्रेशर तो डेफिनेटली रिड्यूस होता है, और जब हम जानते हैं कि प्रेशर जब रिड्यूस होता है तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होना चाहिए। बट यहां से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर रिड्यूस डेफिनेटली होगा, इट मे रिड्यूस इट मे नॉट रिड्यूस। देख सकते हैं हम लोग पी वन वी वन वेन ग्रेटर देन पी टू वी टू, तो मुझे मिल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड केस में जब मैं बोल रहा हूं दैट इज पी टू वी टू इज ग्रेटर देन पी वन वी वन, तब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है कि कभी भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस में अगर मैं ये बोलूं कि हमेशा टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और मैं रीजन ये दूं कि क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रेशर रिड्यूस होता है, यानी कि पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, या इफ ही बोल सकता हूं पी टू इज वेरी वेरी लेस देन पी वन, ये केस डेफिनेटली होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके करस्पॉन्डिंग पी टू भी हमेशा बहुत छोटा होगा टी वन के, दिस इज नॉट ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो उसकी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर आइडियल गैस की। सो फॉर आइडियल गैस मैं जानता हूं जो एंथैल्पी है एच दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है फॉर एन आइडियल गैस, और क्योंकि एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एच वन इक्वल टू एच टू होता है, एंड फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट्स वाई आई कैन राइट दैट टी वन विल बी इक्वल टू टी टू। तो यहां पर रियल गैसेस या रियल सब्सटेंसेस एंड आइडियल गैसेस में डिफरेंस ये है कि जब रियल गैस की बात करता हूं तो टेम्परेचर चेंज होता है, इट मे इंक्रीज इट मे डिक्रीज, ठीक है, बट फॉर एन आइडियल गैस एज एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट्स वाई T1 will be equal to T2, यानी कि टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओके। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग जब रियल गैस की बात किया मैं, तो आपको हीटिंग भी मिल रही है और यहां पर हमको कूलिंग भी मिल रही है, मतलब जब फ्लो के अलॉन्ग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इज T2 is greater than T1, मैं इसको बोल सकता हूं हीटिंग, एंड when T2 is less than T1, I can say यहां पर कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर में किस तरह से चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर में किस तरह से चेंज होगा, यानी कि कूलिंग मिलेगी या हीटिंग मिलेगी, ये हमको एक डिफरेंट टर्म बताता है, दैट इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशियंट, जो हम जब जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, फिलहाल वो हमारे स्कोप का
टॉपिक नहीं है, तो अभी यहाँ तक जो डिस्कशन है मैं उसको क्लोज करता हूँ। बस हमको ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर में वेरिएशन होगा यानी कि हीटिंग होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस में या कूलिंग होगी, ये डिसाइड करता है जूल थॉम्सन कोफिशियंट ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस की जब मैं बात करता हूँ तो अब इसका सेटअप कैसा होता है जिसमें जूल थॉम्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, ये जूल थॉम्सन ने बताया था। ठीक है, सो ये जो सेटअप है इसका वो कैसा होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेटअप ड्रॉ किया, यहाँ पर एक पोरस प्लग लिया गया, जैसे कि मैंने बताया था आप तीन तरीके से थ्रॉटलिंग कर सकते हो, दैट इज एडजस्टेबल वॉल, कैपिलरी ट्यूब एंड दी पोरस प्लग। तो मैंने यहाँ पर पोरस प्लग ड्रॉ किया है जैसा कि सेटअप जूल थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, जूल एंड थॉम्सन ये दो व्यक्तियों के नाम है, एक व्यक्ति के नाम नहीं है, पहली चीज़। ठीक, अब यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि पोरस प्लग लग गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फ्लो है वो थ्रॉटल हो जाएगा अपने आप। अब क्योंकि ये एरिया बहुत स्मॉल है, ये जो जोन है जहाँ पर ये थ्रॉटलिंग होगी ये जोन बहुत स्मॉल है, दैट्स वाई या तो इसको इतना पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल पाएगा जिसमें हीट ट्रांसफर यहाँ पर हो सके, या फिर यहाँ पर इतना सफिशियंट एरिया नहीं होगा जिसके कारण हीट ट्रांसफर हो सके, दैट्स वाई यहाँ जो हीट ट्रांसफर है दैट इज टेकन एज जीरो। ठीक है, तो मतलब इस जोन को मैंने यहाँ पर इंसुलेशन से शो कर दिया है क्योंकि हीट ट्रांसफर यहाँ पर जीरो है। कारण इसका ये है कि ना तो यहाँ पर इसको सफिशियंट टाइम मिल पा रहा है हीट ट्रांसफर करने के लिए और ना ही यहाँ पर सफिशियंट एरिया अवेलेबल है हीट ट्रांसफर होने के लिए, दैट्स वाई हीट ट्रांसफर इज टेकन एज जीरो। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं है जिसके थ्रू जो भी प्रेशर में या वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट वर्क में कन्वर्ट कर सके एंड कोई शाफ्ट वर्क वहां से ऑप्टेन कर सके, दैट्स वाई जो शाफ्ट वर्क है इस केस में W दैट इज जीरो। ठीक है, W दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी एम, ये जो हम लिखते हैं दैट इज वर्क ट्रांसफर पर के जी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द एक्सटर्नल वर्क शाफ्ट वर्क, दैट्स वाई इट इज जीरो। ठीक है, एंड हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो जीरो, डी क्यू बाई डी एम दैट इज हीट ट्रांसफर पर के जी ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं एल्टीट्यूड जो है दोनों सेक्शंस का, सेक्शन वन एंड टू का सेम, यानी कि जेड वन एंड जेड टू अगर बोलूं तो जेड वन इक्वल टू जेड टू है। ठीक है, यहां पर वेलोसिटीज में भी कोई चेंज नहीं आता, सो वी वन विल बी इक्वल टू वी टू, सो वी वन एंड वी टू भी सेम हो गए यहां पर। तो यहां पर से हम देख सकते हैं यहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर मैं इसके लिए SFE लिखूं तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, H1 वन विल बी इक्वल टू एच टू। ओके, सो कभी भी हमको याद रखना है अगर हमको थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोला है तो H1 विल बी इक्वल टू एच टू, ये रिलेशनशिप हमारा हमेशा फॉलो होगा। साथ ही साथ यहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर, तो जो मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए हैं टेम्परेचर के कि कब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है और कब सेम रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आज हमने नोजल, डिफ्यूजर, टर्बाइन एंड कंप्रेसर, देन थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में भी देखा। यहाँ पर मैंने आपको थ्रॉटलिंग के बारे में बोला है कि जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है उसको हम यहाँ पर डील नहीं करेंगे, जब उसका पोर्शन आएगा वहाँ पर, ठीक है, तब हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक, अब आज के टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।